अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हाउ यू ऑल स्टूडेंट्स। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1A। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1B। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है जी। फर्स्ट पार्ट देखिए, 6920110 इज डैश मोर देन 6900000। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी ज़्यादा मोर है, कितनी ज़्यादा मोर, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वैल्यू को इसमें से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमें उसका डिफरेंस पता चल जाएगा ना कि उसमें कितना डिफरेंस है, एक वैल्यू दूसरी से कितनी बड़ी है। ठीक है जी, लेट्स सब्ट्रैक्ट 6920110 6900000। स्टूडेंट, जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ नीचे फाइव डिजिट्स जो हैं वो ज़ीरोज़ के हैं, इसलिए सब वैल्यू ऊपर वाली आ जाएगी, 20110 और 6969 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नीचे सिंपल ज़ीरो आ जाएंगे, जो डिफरेंस है वो है 20110। ये देखिए आपका आंसर है 20110। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट, सम ऑफ 4952106 एंड 900000 इज़। सम किसे कहते हैं बेटा? सम कहते हैं एडिशन को, ऐड करने को। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा जी, ये ऐड करके देखते हैं, 4952106 900000 सिक्स प्लस ज़ीरो सिक्स, यहाँ पे ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन, टू प्लस ज़ीरो टू, फाइव प्लस ज़ीरो फाइव, नाइन प्लस नाइन एटीन, एट लिखेंगे, वन कैरी, फाइव, फोर प्लस वन फाइव। आपका आंसर है स्टूडेंट्स 5852106, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 5874813 इज ग्रेटर देन 5774813 बाय, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी ज़्यादा ग्रेटर है। यही अभी जैसे हमने फर्स्ट वन में डिस्कस किया था कि डिफरेंस हमें कैसे पता चलता है, माइनस करने से। स्टूडेंट्स, ये बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे, 5874813 में से 5774813, 813 में से 813 माइनस किए, स्टूडेंट्स देखिए तीनों जगह पे ज़ीरो आ गए, फिर 74 में से माइनस किया 74 तो भी ज़ीरो आ गए, यहाँ 8 है, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आएगा, 5 में से 5 माइनस किया तो 0। सिंपल आपका जो आंसर है वो है यूनिट 10, 100, 1000, 10000, 100000, मींस 100000 आपका आंसर है। ये आपका आंसर स्टूडेंट्स 100000। नेक्स्ट देखिए, 3421792 एंड 421792, ये स्टूडेंट्स इनको जब आप टुगेदर में किए, क्या इकट्ठे होकर प्लस होकर क्या बनाएंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इन्हें प्लस करते हैं, 2+2 4, 9+9 18, 1 कैरी 7+7 14 और 1 15। नेक्स्ट देखिए, 1+1 2 एंड 1 3, 2+2 4 4+4 8 एंड 3, ऐसे ही आ जाएगा। आपका आंसर है 3 8 4 8 4 3 5 8 4, ये आपका रिप्लाई है जी, आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस ऑफ 5610823 एंड 9610072, इनका डिफरेंस कैसे लेंगे जी? डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, यू विल हैव टू टेक अ कैरी, 12 में से 3 माइनस किए 9 आ जाएंगे जी, यहाँ 6 में से 2 माइनस किए 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कैरी लेंगे 10 में से 8 माइनस किए 4, यहाँ पे 9 बचे थे, 9 में से 0 माइनस किए 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था 0, आप फिर कैरी लेंगे 10 में से 1 माइनस किया 9, यहाँ स्टूडेंट्स 5 बचे हैं जिसमें से 6 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लेंगे 15 में से 6 माइनस किया 9, यहाँ 8 बचे हैं कैरी देने के बाद, 8 में से 5 माइनस किया 3, योर आंसर इज 3999249। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो आपको दी हुई हैं ये ट्रू हैं ये फॉल्स हैं। इफ़ वन इज़ एडेड टू द ग्रेटेस्ट 8-डिजिट नंबर, अगर वन ऐड करेंगे सबसे ज़्यादा जो बड़े 8-डिजिट नंबर हैं, इट विल मेक द स्मॉलेस्ट 9-डिजिट नंबर, ये आपने स्टेटमेंट बतानी है। स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट 8-डिजिट नंबर क्या है जी? 8-डिजिट हमारे अगर हम काउंट करें तो वो लास्ट डिजिट हमारा 10 मिलियन पे आता है। 10 मिलियन तक आपने सारे 9 नंबर्स लिखेंगे, ये हमारा मैक्सिमम 8-डिजिट नंबर है। जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो सम लेने के बाद कैरीज
जब आप सब इन नाइन्स में कैरिज डालते जाएंगे तो हमारे 100 मिलियन की जगह पे 1 चला जाएगा। मीन्स 100 मिलियन का सबसे छोटा डिजिट है ये, ठीक है जी। 100 मिलियन का सबसे छोटा डिजिट है ये, स्मॉलेस्ट डिजिट है ये। आपके स्टेटमेंट ट्रू है कि स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर बन गया है ग्रेटेस्ट 1 8 डिजिट नंबर में 1 प्लस करने से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपको 5000000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 600000500000 इक्वल्स टू, ये आपने इस वैल्यू के इक्वल आएगा। सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि अगर इस वैल्यू को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आंसर आता है। लेट सब्ट्रैक्ट इट। ये देखिए हमने वैल्यू लिखी है, ये सेकंड वैल्यू है। जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये एग्जैक्ट ऊपर वाली वैल्यू ही है, सिर्फ ये 600 एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो इन सब जगहों पर ज़ीरो आ जाएंगे आपकी। सेम ये वैल्यू 600000000, ये देखिए 600000000, यही हमारा आंसर आ रहा है, इसलिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। सी पार्ट देखिए, 750000 इज़ द सम ऑफ 500000 एंड 25000। स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, अगर इनको हम प्लस करेंगे, इनका हम सम लेंगे, तो वो आंसर ये आना चाहिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। लेट्स टेक एडिशन। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वैल्यू लिखी 500000, ये सेकंड वैल्यू जी 2500000। जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो जीरोज में 3 जीरोज प्लस करेंगे, 3 जीरोज ही आ जाएंगे। ये इन 00 में 25 प्लस होंगे तो 25 ही आ जाएंगे, और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए 5 ऐसे ही आ जाएगा। हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 525000, जबकि यहाँ आंसर कुछ और है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस ऑफ 1 to 500720 एंड 2 to 500720 इज 1 to 500000। स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस, यानी इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर ये आना चाहिए। अगर हम ये माइनस करके देखते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के हम मैथ्स में किसी भी चीज़ को फ़र्ज नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन जो है वो मैथ्स में अलाउ नहीं है, आपको डायरेक्ट हर चीज़ को सम करके सॉल्व करके देखना होता है। ये देखिए मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखी, ये सेकंड वैल्यू लिखी, जब हमने ये सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ रहा है 1000000, जबकि यहाँ पे आंसर है 1 to 500000। हमारा आंसर इससे मैच नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, 9 to 16 4 7 इज़ द सम ऑफ 8 1 2 0 5 9 5 एंड 1 0 9 5 8 2। स्टूडेंट्स आपको कहा जा रहा है कि ये जो वैल्यू है ये इन दोनों का सम है, इन दोनों को ऐड करने से हासिल हुई है। ये देखिए मैंने स्टेटमेंट्स वैल्यूज़ लिखी हैं जी 8 1 2 0 5 9 5 1 0 9 5 8 2। जब हम इसको ऐड अप करेंगे 5 + 2 7 9 + 8 17 वन कैरी, 8 + 5 13 एंड 1 14 वन कैरी, 5 + 1 6 9 + 2 11 वन कैरी, 1 + 1 2 एंड 8 + 1 9। स्टूडेंट्स ये आंसर देखिए 9 2 1 6 4 7 7 सेम आंसर आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके सामने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि कौन सा आंसर ठीक है। द आंसर विच इज 50,000 मोर देन 6 1 2 5 3 1 2 9, जो नंबर इस नंबर से 50,000 मोर होगा, 50,000 ऐड अप होने के बाद आएगा, वो कौन सा है जी। आपने ये वैल्यू लिखी, इसमें के नीचे 50,000 लिखा और प्लस किया है जी। ये देखिए ये सिंपल आपके सामने 4 जीरोज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ ऊपर से ऐसी आ जाएंगी 1 2 9 और ये 3 ऐसे ही आ जाएगी, 5 + 5 10 0 वन कैरी, 2 + 1 3 और 6 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपका आंसर देखिए आ रहा है 6 1 3 0 3 1 2 9, इसमें से चारों में से ये सी ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच करिए, 6 1 3 0 3 1 2 9, ये आपके आपने करेक्ट कर देनी है। बी पार्ट देखिए, नंबर विच इज़ 2000 लेस देन दिस वन इज़ 2000, अगर हम इस नंबर में से लेस करेंगे तो नंबर कौन सा हासिल होगा, 3 9 7 3 2 4 0 0, इसमें से हम 2000 माइनस कर रहे हैं तो देखें ये 400 तो ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स 2 में से 2 माइनस किया 0, बाकी ये देखें 3 9 7 3 इसी तरीके से उतार लेंगे। आप कौन सी ऑप्शन इससे मैच करिए, बी ऑप्शन 3 9 7 3 0 4 0 0, ये ऑप्शन आपने करेक्ट कर देनी है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ 8 7 6 5 5 0 इज रिड्यूस्ड बाय 7 000 000 5 0 द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू डैश।
आपने बताना है अगर इस नंबर में से हमने ये नंबर माइनस किया तो आंसर क्या आएगा जी। ठीक है जी, ये हमने देखिए पहली वैल्यू लिखी है, दूसरी वैल्यू लिखी, जब हम इसमें से माइनस करेंगे 0 5 5, ये इसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं, इसमें से यही माइनस किया 5 5 0, तो आपके पास 0 आ रहा है। ऊपर देखें 7 6 5, और यहाँ पे जीरोज़ हैं तीनों, तो ये वैसे ही वैल्यू नीचे आ जाएगी 7 6 5। 8 में से 7 माइनस किया 1, आपका आंसर आ रहा है 1 7 6 5 000। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है जी, 1 7 6 5 000 सी ऑप्शन है, ये करेक्ट है, आपने इसको टिक कर देना है। डी पार्ट देखिए 6 7 8 2 4 7 2 9 प्लस 3 2 4 2 1 6, इन दोनों को आपने ऐड अप करना है, इट इज़ इक्वल टू डैश, आपने बताना है किसके इक्वल है। स्टूडेंट्स हम ऐड करने लगे हैं, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, 9 प्लस 5 9 प्लस 6 15 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 एंड 1 4, 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 2 4 8 आ गया जी, 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 और 6, ये देखिए 6 8 1 4, 8 9 4 5, ये आपके सामने, ये ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारे आंसर से मैच कर रही है। लास्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मिलियन तक आ रहा है आपका, मिलियन तक आपने सब जगह पे 9 मेंशन किए, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है। जब आपने 6 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा है वो यहाँ पे 1 लिख के बाकी सब जगह पे जीरोज लगा दिए हैं, दैट इज़ 100,000। ये आप माइनस करेंगे, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, सब जगह पर 9 के नीचे जीरोज हैं, ये देखिए 5 9 ऐसे ही नीचे उतर आएंगे, इस 9 में से 1 माइनस किया 8 और ये 9 ऐसे ही आ जाएगा, 9 8 99 999, ये आंसर देखिए आंसर बी से मैच कर रहा है, इसलिए बी आंसर करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, अपनी बुक पर सॉल्व भी कर लें। थैंक यू।